नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल A4 पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि गन्ना पेड़ी विशेषकर पोगलों में कौन सा फार्मूला अपनाया जाए जिससे उनमें अधिक कल्ले निकलें, उनसे अधिक फुटाव हो, बढ़वार हो तथा साथ ही साथ शुरू शुरू में पोगलों में लगने वाली बीमारियों से भी मुक्ति मिल सके। इसके लिए हमें दो तरह से ध्यान देना होगा, एक तो गन्ने का कटाव कैसे करें तथा दूसरा कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गन्ने का कटाव कैसे करें। इसके लिए हम गन्ना जमीन से सटाकर काटते हैं। कुछ किसान भाई जब गन्ना काटते हैं तो वे ज़मीन से 3 या 4 इंच ऊपर से काटते हैं। ऐसा करने पर हमारे गन्ना जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, जिस कारण पोगलों में अनेक बीमारियाँ लग जाती हैं, जिससे हमारी फसल में 20 से 30% तक का नुकसान हो जाता है। इस कारण हमें ज़मीन से गन्ना सटाकर ही काटना चाहिए। दूसरी ओर हमें 3 दवाइयों का प्रयोग करना है, अमीडा 100 ml, कार्बंडाजिम 100 ग्राम, ईथरल 20 ml, यह बायर कंपनी की आती है। इन तीनों दवाइयों का स्प्रे हमें 1 एकड़ में करना है। 1 एकड़ में लगभग 10 स्प्रे टंकी लगती हैं, उसी हिसाब से 10 डब्बे पानी में ये तीनों दवाइयाँ मिला लेते हैं तथा प्रत्येक स्प्रे टंकी में 1 डब्बा डालते रहते हैं। इन दवाइयों में ईथरल फसल बढ़ोतरी की एक बेहतरीन दवाई है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईथरल का 10 ml ही 1 एकड़ में डालना है। यदि इससे अधिक मात्रा 1 एकड़ में डाली जाती है तो यह फसल को नुकसान भी पहुँचा सकती है। इसके साथ ही साथ स्प्रे के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। स्प्रे के लगभग 7-8 दिन बाद ही पोगलों में फुटाव, बढ़ोतरी, हरापन देखने को मिलने लगता है। पोगलों में इन दवाइयों के अतिरिक्त जो उर्वरक देने हैं वे किस प्रकार देने हैं तथा उनका पेड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। धन्यवाद।